नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी आर एजुकेशन में। आज 26 सितंबर, तो 26 सितंबर के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हो, पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हो समय से मिल जाए। एक बात और बता दूं, आप अगर रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो रीट एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है अनअकैडमी के ऊपर। तो अनअकैडमी ऐप को आप डाउनलोड करके वहाँ से टेस्ट सीरीज है वो दे सकते हैं। इसके लिए रीट एग्ज़ाम के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डूंगरपुर हिंसक व शिक्षक भर्ती आंदोलन, उपद्रवियों ने कई बार फूंके इंटरनेट सेवा बंद। आरपीएससी सदस्यों के अभाव में भर्तियों में हो सकती है देरी। सुखाड़े विश्वविद्यालय का नया सत्र 1 नवंबर से, मार्च में 2 सरप्राइज टेस्ट होंगे। बढ़ सकती है आईआईटी की सीटें, घट सकती है कट ऑफ। विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि को लेकर तैयार की कार्य पुस्तिका। मुख्य विषय में फेल होने पर उसे अतिरिक्त विषय में बदला जा सकेगा। सीबीएसई में 12वीं के विद्यार्थियों को भी दी सुविधा। वरिष्ठ प्रदर्शक परीक्षा के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन संशोधन का अवसर दिया गया है। और आगे पुलिस पढ़ाने के लिए बेटियों को ले रही है गोद। पॉलिटेक्निक कॉलेज में रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 28 सितंबर तक किए जा सकेंगे आवेदन। डाक विभाग स्कूलों में खोलेगा फिलेटली क्लब, खोले जाएंगे फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट। निजी स्कूल हाईकोर्ट के आदेश को दिखा रहे ठेंगा। फीस को लेकर मनमानी विभाग परेशान, बिना सूचना प्रधानाचार्य परीक्षा केंद्र से अनुपस्थित। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा कारण बताओ नोटिस जारी। डीआरडीओ में अप्रेंटिस करने का मौका। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सीनियर रेजिडेंट्स की ज़रूरत। ट्रेनिंग इंजीनियर के पदों पर जल्द करें आवेदन। पदीय वेबसाइट ये रही, इनके लिए आवेदन करना है। तो ऑफिसर के विभिन्न पद पर आवेदन 204, नीचे वेबसाइट दी हुई, इस वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते। नए शैक्षणिक सत्र 1 नवंबर से, नतीजों में हुई देरी तो 18 से। महामारी के बीच पढ़ाई को लेकर किए गए ये अनूठे प्रयोग बने भविष्य में उम्मीद की नई किरण। जिले में धौलपुर ब्लॉक बना नंबर 1। शिक्षा का नया सत्र, विकल्प समिति खतरे असीमित, नई पीढ़ी क्या करेगी। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले बढ़ते हैं सावधानियां, यहाँ पर सावधानी कुछ लिखी है। अभिभावकों पर अनावश्यक रूप से फीस जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। राज्य में 8 नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खुलेंगे, 5 विद्यालय दिसंबर तक हो जाएंगे तैयार। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों को एसटी में शामिल करने की मांग। ऑनलाइन पढ़ाई से खराब हो रही बच्चों की आंखें, पहली कट ऑफ 12 को जारी होगी। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 होने से विद्यार्थी रह सकते वंचित। सीएचओ भर्ती की सभी याचिकाओं पर अब एक साथ होगी सुनवाई। चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने पर 2 कार्मिक निलंबित। विधि अंतिम वर्ष की परीक्षा 7 से, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 को। पॉलिटेक्निक कॉलेज की शेष रही सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जिम्मेदारी। अस्वीकृत पेंशन आवेदन पर प्रार्थी को ऑनलाइन अपील की सुविधा मिलेगी। नई शिक्षा नीति में दुनिया की रुचि। और आईआईटी की हर 5 में से 1 सीट पर दिखेगी बेटियां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय की भाषाएं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 चयनित अभ्यर्थी दस्तावेज से संबंधित जानकारी 3 अक्टूबर तक प्रस्तुत कर सकेंगे। जेई एडवांस परीक्षा कल 2 पारियों में होगी। और अनारक्षित वर्ग की से खाली पदों को भरा जाए, विफा ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। रोजगार पर हाहाकार, डूंगरपुर सुलगा, देर रात पुलिस अधीक्षक की जीप फूंकी। नौकरी और चुनाव में राज्य से बाहर के लोगों को आरक्षण नहीं। आरपीएससी अध्यक्ष के साथ चाहिए 4 सदस्य भी। रामपाल को आधा या पूरा वेतन, विश्वविद्यालय मांगेगा मार्गदर्शन। महर्षि दयानंद विद्यालय 1 लाख महिलाओं को रोजी रोटी पर कोरोना का वज्रपात।
बीए फाइनल उर्दू की परीक्षा में बांट दिया 2018 का पर्चा। कोरोना का असर कभी रहता था आबाद, अब अभ्यर्थियों के आने का इंतजार। कार्यालय निदेश माध्यमिक से बीकानेर की ओर से ये जारी किया गया है। सूचना है लिपिक ग्रेड द्वितीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए, इसके लिए जो बैकलॉग के पद थे उनसे संबंधित यहाँ पर सूचना है वो दी गई है, उनके लिए पढ़ सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज के समाचार यहीं समाप्त है। वीडियो चला, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।